टॉपिक है, दैट इज ए इंटरप्लेनर स्पेसिंग। आज हम बात करेंगे इंटरप्लेनर स्पेसिंग के बारे में। इंटरप्लेनर स्पेसिंग कई या फिर इसे बोला जाता है इंटरप्लेनर डिस्टेंस, कई लोग बोलते हैं इसे इंटरप्लेनर डिस्टेंस, तो आप इंटरप्लेनर डिस्टेंस भी से लिख सकते हैं। इंटरप्लेनर डिस्टेंस बात एक ही है, चाहे इंटरप्लेनर स्पेसिंग बोले चाहे इंटरप्लेनर डिस्टेंस बोले, इसी के बारे में आज हम पर चर्चा करेंगे। टोटल इसके बारे में जानेंगे और इसके रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे और सॉल्व भी करवाएंगे, डोंट वरी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इंटरप्लेनर स्पेसिंग होता क्या है या फिर इंटरप्लेनर डिस्टेंस होता क्या है। तो हम सबसे पहले ये जानते हैं कि इंटरप्लेनर डिस्टेंस क्या होता है। हमने आपको समझाया था, जैसे मान लीजिए ये दोनों लैटिस पॉइंट है, ये क्या है, ये लैटिस पॉइंट है, ठीक, ये लैटिस पॉइंट है। जब लैटिस पॉइंट को आप मिलाते हैं तो ये क्या बनता है, एक प्रकार का लैटिस प्लेन बनता है। ये सबको पता था, लास्ट वीडियो में आपने देखा था। तो जो दो पैरेलल लैटिस प्लेन के बीच का जो डिस्टेंस होगा, ये देखिए दो पैरेलल प्लेन के बीच का जो डिस्टेंस है ये स्मॉल डी, दिस इज नोन एज, ये हमारा क्या कहलाता है, इंटरप्लेनर डिस्टेंस। इंटरप्लेनर डिस्टेंस मतलब किसी भी क्रिस्टल लैटिस में दो पैरेलल प्लेनों के बीच का डिस्टेंस ही इंटरप्लेनर डिस्टेंस कहलाता है। फिर से अगेन, चाहे जो भी आप ले लीजिए, चाहे ये वाला दो पैरेलल प्लेन ले लीजिए, चाहे ये दो पैरेलल प्लेन ले लीजिए, और नियर बाय के दो पैरेलल प्लेन के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो इक्वल होता है, इसके बीच का भी जो डिस्टेंस होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, इंटरप्लेनर स्पेसिंग या फिर इंटरप्लेनर डिस्टेंस। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से, और यहाँ पर जो होता है हमारा मिलर इंडिसेस HKL, तो DHKL इसको लिखते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको, इसको पॉइंट में आपको बता दिया जाए। चलिए तो यहाँ पर लिख लेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन किसके किसके बीच का डिस्टेंस, टू पैरेलल प्लेन दो पैरेलल प्लेन के बीच का डिस्टेंस ऑफ ए लैटिस क्रिस्टल आर नोन एज क्या कहलाता है हमारा, इंटरप्लेनर स्पेसिंग कही या फिर डिस्टेंस कही, बातें की ही है, दोनों चर्चाएं बातें एक ही है। इंटरप्लेनर डिस्टेंस मतलब क्या कहा गया कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन, दो पैरेलल प्लेन के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम बोलते हैं इंटरप्लेनर डिस्टेंस, हमेशा याद हो गया होगा आपको, ठीक। अब इसको रिप्रेजेंट किसके कहते हैं, DHKL को द्वारा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, DHKL के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। बात समझ में आया, क्लियर हुआ। यहाँ पर हम एक लैटिस प्लेन लेते हैं जो कि आपको इधर दिख रहा है, हम मान लेते हैं कोई एक लैटिस प्लेन लेते हैं जो कि हमारा जो प्लेन है ABC, हमने ऐसा मान लिया जो प्लेन है लैटिस प्लेन वो ABC है इसका, जिसके पास मिलर इंडिसेस HKL माना, जो मिलर इंडिसेस है वो हमने मान लिया HKL, और किस प्रकार से ये प्लेन किस प्रकार से लिया जा रहा है वो पहले समझेंगे। अगर समझना होगा आखिर ये प्लेन लिया किस प्रकार से गया, ये एक प्रकार से स्क्वायर है, स्क्वायर में हमने लिया है ये प्लेन को। आइए देखते हैं इसको और डिटेलिंग में, कुछ इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, एक प्रकार का ये स्क्वायर है, स्क्वायर में हमने एक प्लेन लिया जिसको हम मान लेते हैं ABC प्लेन है, वही चीज़ आपको यहाँ पर डिनोट की जा रही है थोड़ा एक्सप्लेन में करके। तो ABC है, यहाँ पर देख रहे हैं हम, ये एंगल माने हम यहाँ पर एक कॉर्नर पर कोई पॉइंट मान लेते हैं जो कि इससे हमने मान लिया कोई लंब हमने डाल दिया, ठीक, तो वो चीज़ आप देखेंगे। चलिए अब इस फिगर में हम समझते हैं, बात समझ में आ गई ना, क्लियर हुआ आपको, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक। और इसके लिए जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो यही मिलने वाला है, अभी हम प्रूव करेंगे, DHKL=1/H²/A²+K²+B²+L²+C², वो भी स्क्वायर रूट में, यही हमारा प्रूफ होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर लिख लेंगे, लेट अस सपोज दैट अ क्रिस्टल, हमने एक क्रिस्टल सपोज कर लिया जिसका लैटिस प्लेन क्या है, ABC ऑफ लैटिस प्लेन
ABC, जिसका लैटिस प्लेन जो है वो है हमारा ABC, A, B, C। और ये इसके पास जो मिलर इंडिसेस है, मिलर इंडिसेस क्या होता है, आई बटन में लिंक मिल रहा है, आप जाकर प्रॉपर पिछली वीडियो को देख सकते हैं। मिलर इंडिसेस क्या रख रहा है, HKL, इसके पास जो मिलर इंडिसेस है वो क्या है, HKL, रिप्रेजेंट ए प्लेन, यहां पर लिखेंगे रिप्रेजेंट अ प्लेन, एक प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट ए प्लेन एज इंडिकेट अबव फिगर, जो कि इस फिगर में दिखाया जा रहा है। ठीक, मतलब हमने कोई एक क्रिस्टल माना जिसका लैटिस प्लेन ABC है, जिसके पास मिलर इंडिसेस HKL है, बस इतना समझिए। ठीक भाई, आप किसी लैटिस प्लेन को ABC मान सकते हो, XYZ मान सकते हो, जो भी मानो, हम यहाँ पर XYZ हम एक्सिस लिए थे इसलिए ABC मान लिया, और मिलर इंडिसेस हम हमेशा HKL ही मानेंगे। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, हम क्या करेंगे, जैसे उस फिगर में अभी हमने दिखाया, कोई एक पॉइंट लेंगे, यहाँ पर पॉइंट लेने के बाद हम आपको ड्रा करके दिखा रहे हैं, यहाँ पर इसका हम अगर नामकरण रखना चाहें तो नाम भी रख देंगे यहाँ पर, जैसे इसका नाम हम पॉइंट का नाम रखते हैं A, इस पॉइंट का नाम रखते हैं B, इस पॉइंट का नाम रखते हैं हम कैपिटल C, ABC, ये पॉइंट का नाम है, प्लेन नहीं है, ये पॉइंट है, यहाँ पर प्लेन नहीं है, प्लेन तो हमारा ये रहा, ये हमारा प्लेन रहा, ये प्लेन रहा है, जैसे ये वाला प्लेन, तो ये प्लेन नहीं है, ये पॉइंट है, तो हमने पॉइंट रख दिया ABC। अब हमने यहाँ पर दो देख रहे हैं, दो हमारे पॉइंट हो गए, जो कि हमारे लैटिस पॉइंट के नाम से जाने जाते हैं, तो इसका नाम हम रख देते हैं यहाँ पर O है, और इसका नाम हम रख देते हैं N, ऐसे हमने मान लिया, इसका नाम हमने रख दिया N, ABCD आपने यहाँ पर रखा ABC, और इसका नाम हमने रख दिया N। अब क्या करेंगे, हम इन सभी से इस पर लंब डालेंगे, या फिर इसको पॉइंट को मिलाएंगे, तो आप लोग मिला लीजिएगा, इस पॉइंट को हम लोग मिलाएंगे B से N को मिलाएंगे, C से N को मिलाएंगे, और A से N को मिलाएंगे, तो आइए मिला कर देखते हैं हम इसको, चलिए मिला लेते हैं, ये हमने मिला लिया, और सी पॉइंट से मिला लेंगे, इसी प्रकार आप लोग सीधा खींचिएगा, ए पॉइंट से भी उसको मिला लेंगे, ए पॉइंट से यहाँ पर ये मिला लिया। ठीक, बहरहाल हमारा थोड़ा सा सीधा नहीं बनाया, तो आप लोग रूलर की सहायता से थोड़ा सीधा बनाइएगा, इस प्रकार हमने मिलाया, क्लियर हुआ। अब देखेंगे, जब हमने इसको मिला लिया तो हम क्या करेंगे, इस पर इस ओ से भी एन को मिलाएंगे, तो हम आइए देख लेते हैं, ओ से एन को मिला लेंगे। ठीक, आइए देख लेते हैं, हम ओ से एन को मिला देंगे, ये देखिएगा, अब यहां पर बात यह आती है कि इंटरप्लेनर स्पेसिंग किसे कहेंगे, भाई दो पॉइंट के बीच की दूरी इंटरप्लेनर स्पेसिंग होती है, तो यहाँ पर O और N क्या है, दो लैटिस पॉइंट है, इसके बीच की दूरी हमारी DHKL होगी, जिससे आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, इंटरप्लेनर डिस्टेंस, तो यही हमारा इंटरप्लेनर डिस्टेंस क्या कहलाएगा, यही हमारा DHKL, यही हमारा इंटरप्लेनर डिस्टेंस कहलाएगा, इंटरप्लेनर डिस्टेंस कहलाएगा DHKL। अब देखेंगे, हम मान लेते हैं ऐसा हमने लेट किया कि ये पॉइंट जो है यक्स से, इसका पॉइंट जो एक्सिस है यक्स से, जो पॉइंट है यक्स एक्सिस से, इस लंब डाले ना इस पॉइंट पर एन पर, तो इस ओ एन, मतलब जिसे हम बोलेंगे क्या, इंटरप्लेनर डिस्टेंस, तो इसके बीच का जो एंगल है वो अल्फा है, और ओ एन और ये वाई एक्सिस के बीच के एंगल बीटा है, और जेड एक्सिस के बीच का एंगल गामा, जो अल्फा बीटा कहलाता है वो कौन सा एंगल कहलाता है हमारा, इंटरफेसियल एंगल, या फिर एंगल ऑफ इंटरसेक्ट भी कहलाता है, तो इंटरफेसियल एंगल तीन होते हैं, अल्फा बीटा गामा, तो ये हमने मान लिया, क्लियर, यहां तक तो समझ में आया, क्योंकि प्लेन है हमारा ABC, प्लेन क्या है ABC, और इसका जो मिलर इंडिसेस है वो हमारा है HKL, तो ये जो कट करेगा ये OA जो होगा वो कितना होगा A/H, OB जो होगा वो हमारा होगा B/K, और जो हमारा OC होगा वो हमारा होगा C/L, यही तो होगा, तो आप इसे लिख लेंगे, जो OA होगा हमारा ये क्या होगा A/H, और जो OB होगा ये देखिए OB, ये हमारा कितना होगा, ये हमारा होगा B/K
बी अपान के, और जो हमारा ओ सी होगा ये हमारा होगा सी बाई एल, सी बाई एल। अभी हमें इंटरफेसियल एंगल अल्फा बीटा गामा मिला है, तो यहाँ पर से हम अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालेंगे। तो एंगल की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, पहले हम ट्राइंगल लेते हैं, कौन सा ट्राइंगल, ए ओ एन ट्राइंगल लिख लेंगे, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए ओ एन, त्रिभुज ए ओ एन में, ए ओ एन कहाँ है ध्यान से समझिएगा, ए ओ एन ये वाला ट्राइंगल, मतलब कुछ ऐसा बन रहा है, ये ऐसा ऐसा हमारा कुछ सीधा कम बना है कुछ ऐसा, ये ए ओ एन यही तो बन रहा है ना भाई। अल्फा कहाँ पर है, ये रहा हमारा एन, आपको हम और क्लियरिटी दिखा दें, ये कुछ ऐसे ही बनेगा ध्यान समझिएगा, ये कुछ ऐसा था, यहाँ पर हमें लंब कुछ ऐसा खींचना चाहिए था, थोड़ा सा मिस्टेकिंग हुआ है, और ये कुछ ऐसा, तो यहाँ पर यही तो बना हमारा अल्फ़ा, तो ये हमारा ए है, ये हमारा ओ है, ये हमारा एन है, इसी एंगल की बात हो रही है। तो ये अल्फ़ा आप निकालोगे, तो अल्फ़ा कैसे निकालोगे, अल्फ़ा कैसे निकालोगे आप, इसको और क्लियरिटी में देखें तो बना कैसे है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये था हमारा कुछ इस प्रकार से, ठीक, इसे हम बोले थे वाई, इसे बोले थे यक्स, इसे बोले थे हमने जेड, इस प्रकार हमने इसको बोला था। अब ध्यान से समझेंगे, अब इस प्रकार है, तो हमने क्या किया था, ये एक पॉइंट लिया था यहाँ पर, एक पॉइंट लिया था कुछ यहाँ पर, ठीक, वैसे तो 3D में होना चाहिए था, हमने किया क्या था, अगर आपको याद हो तो हमने तीनों पर लंब डाला था, क्या किया था, लंब डाला, जैसे इस पर से हमने इस पर लंब डाला था, तो लंब डाले थे तो ये हमारा 90 डिग्री, जेड एक्सिस से भी हमने इस पर लंब डाला था तो ये भी हमारा 90 डिग्री, और एक्स एक्सिस से भी हमने लंब डाला था तो ये क्या होगा हमारा 90 डिग्री, ठीक। अब हालांकि आपको नहीं दिख रहा तो ये अगर दिखाने के लिए, तो ये हमारा ओ रहा, ये हम कुछ ऐसे एक्स वाई जेड मतलब बनाए थे, ये कुछ ऐसे बना था हमारा, और ये कुछ ऐसे जाता, मतलब 3D में है, ये हमारा 90 डिग्री ही होगा क्योंकि हमने एक्स से इस पर लंब डाला है। ये भाई एक तो हमारा एक ऊपर जाता है, एक हमारा इस साइड जाता है, एक हमारा ऊपर आता है ना, तो हम इसे इस प्रकार दिखाते हैं, ये ऊपर आता है तो हम ऊपर से ले जाकर लंब डालें उस पर लंब डालें, ऐसा नहीं है कि आप मिला रहे हो 90 डिग्री आपको नहीं दिख रहा, बट वो 90 डिग्री है हमने क्योंकि लंब डाला है, तो ये हमारा क्या होगा 90 डिग्री, इट इज़ ए 90 डिग्री। जब ये 90 डिग्री होगा तो आपको हम और क्लियर दिखा दें, कुछ ऐसा फिगर बनेगा, कुछ ऐसा फिगर बनेगा, इट इज़ ए 90 डिग्री ये रहा हमारा ए, ये रहा हमारा ओ, ये रहा हमारा एन, यही कुछ बनेगा, और ये रहा हमारा 90 डिग्री। जब ये 90 डिग्री है तो ये हमारा अल्फा है, ओ पर हमारा क्या बन रहा है अल्फा। अब आप कास अल्फा निकालो, आपको निकालना है कास अल्फा, तो आप कास अल्फा निकालिए, तो हम यहाँ पर कास अल्फा निकालेंगे, कास अल्फा इज इक्वल टू, कास अल्फा बराबर क्या होता है बेस अपान हाइपोटेनस, बेस क्या हमारा यहाँ पर देखिए, बेस क्या है ओ एन, ओ एन अपान हाइपोटेनस क्या है ओ ए, बेस अपान हाइपोटेनस। ओ एन की वैल्यू, ओ एन की वैल्यू डी एच के एल, ये देखिएगा ओ एन की वैल्यू बाई डी एच के एल है ना, डी एच के एल मतलब इंटरप्लेनर डिस्टेंस डिवाइड बाई, ओ ए की वैल्यू क्या है, ओ ए की वैल्यू ए अपान एच, ए अपान एच। इसी प्रकार से आप निकालेंगे इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेंगे अब की बार, इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल लेंगे अब, बी ओ एन, बी ओ एन वहीं पर तो बीटा बन रहा है ना, ट्राइंगल बी ओ एन में देखेंगे तो बीटा इक्वल टू क्या निकलेगा, कॉस बीटा इक्वल टू बी ओ एन में देखिए कैसा है, ये एन पर 90 डिग्री है, अगर इसका हम कुछ इस प्रकार से फिगर देखने की कोशिश करें तो ये कुछ ऐसा बना है, ये कुछ इस प्रकार से, ये हमारा 90 डिग्री, ये रहा हमारा बीटा, ये हमारा बी ओ सॉरी ओ, ये हमारा एन, ये हमारा बी, तो कॉस बीटा की वैल्यू बताइए, बेस, बेस यहाँ पर क्या होगा, बेस होगा ओ एन, ओ एन अपान हाइपोटेनस यहाँ पर क्या होगा ये वाला ओ बी इक्वल टू डी एच के एल, एच के एल डिवाइड बाई इसकी वैल्यू क्या है बी अपान के, क्या है बी अपान के। इसी प्रकार नेक्स्ट हम देखेंगे कौन सा ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल सी ओ एन, यहीं पर तो गामा बन रहा है ना, देखो ये सी ओ एन यहीं पर तो गामा बन रहा है, जब यहीं पर गामा बन रहा है तो हमारा क्या लिखेंगे, कास गामा, कॉस गामा इक्वल टू क्या मिलेगा हमको ओ एन अपान, इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे ये देखिएगा, ये कुछ इस प्रकार बन रहा है, देखेंगे हमारा
फिगर, ये रहा हमारा 90 डिग्री, ये रहा हमारा 90 डिग्री। इसकी वैल्यू क्या है हमारी, ये वैल्यू हमारी है n, ये हमारी c, क्योंकि हम n पर सभी से तीनों से x y z एक्सिस से मतलब पॉइंट a b c से हम उस पर लंब डाले हैं, उस पर क्या किए हम लंब डाले हैं, तो क्या होगा, ये रहा हमारा गामा, कास गामा निकालेंगे तो बेस हमारा ये हो जाएगा ओ एन, और हाइपोटेनस क्या होगा, यही तो होगा क्योंकि ये तो लंब होता है ना, तो लंब होगा हमारा, तो हाइपोटेनस क्या होगा हमारा सी ओ या ओ सी। तो ये वैल्यू हमारी आई डी एच के एल डिवाइड बाई जो इसकी वैल्यू है मतलब हाइपोटेनस, इसकी वैल्यू क्या है सी अपॉन एल, फिगर में आपको दिख रहा है सी अपॉन एल। उम्मीद करते हैं यहाँ तक तो सबको क्लियर हो गया होगा, क्लियर। अब हम इसको बना लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड इक्वेशन नंबर थर्ड, बना सकते हैं। चलिए आगे चलें, क्लियर है यहाँ तक, किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं, यहाँ तक तो सबको क्लियर है ना। ये चीज़ें हमें मिली कास अल्फा कास बीटा एंड कास गामा की, ये वैल्यू हमें मिल रही है ऑलरेडी। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, हम यहाँ पर लिखेंगे फ्राम कोसाइन रूल, हमें कोसाइन रूल याद है, कौन सा रूल, कोसाइन रूल, यहाँ पर लिख लेंगे फ्राम कोसाइन रूल। आपने पहले ही पढ़ा था ज्या कोज्या का नियम, तो ये कोज्या का नियम है, कोज्या का नियम क्या था, कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गामा इक्वल टू वन, ये तो होता था ना, कुछ और होता था, यही होता था कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गामा इक्वल टू वन। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, कास स्क्वायर अल्फा, कास अल्फा की वैल्यू कितनी है डी एच के एल अपान ए अपान एच, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा हमको डी स्क्वायर एच के एल डिवाइड बाई ए अपान एच का होल स्क्वायर। इसी प्रकार कास स्क्वायर बीटा करेंगे तो क्या मिलेगा डी स्क्वायर एच के एल डिवाइड बाई बी अपान के का होल स्क्वायर। इसी प्रकार कास स्क्वायर गामा करेंगे तो क्या मिलेगा डी एच के एल का होल स्क्वायर डिवाइड बाई सी बाई एल का होल स्क्वायर इक्वल टू वन, ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर तीनों में देखो डी स्क्वायर एच के एल कॉमन है, हम कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पर आप लोग कॉमन हटा लीजिए, तो यहाँ पर हम निकालेंगे कॉमन, तो मिलेगा क्या हमको डी स्क्वायर एच के एल, जब कॉमन निकालेंगे तो हमें मिलेगा वन अपान, ये ए अपान एच का होल स्क्वायर है तो इसको पलट देंगे, समझना, ए अपान एच का होल स्क्वायर है तो एच स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, एच स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, इज इक्वल टू वन, समझ में आया। या फिर अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे तो डी स्क्वायर एच के एल की जो वैल्यू आएगी ये इक्वल टू वन अपान में, ये नीचे चला जाएगा तो मिले क्या हमको एच स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर अपान सी स्क्वायर। या फिर हमको जो फाइनल एक्सप्रेशन मिल गया किसकी वैल्यू डी एच के एल की वैल्यू निकालेंगे तो इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो वन का स्क्वायर रूट वन ही होता है, इधर कोई अंतर नहीं मिलेगा, डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपान सी स्क्वायर, दिस इज ए फाइनल एक्सप्रेशन। अभी इसी वैल्यू से हम पॉइंट नोट करेंगे, नोट कर लीजिए फटाफट से, टेक ए स्क्रीनशॉट फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। इसे तीन इक्वेशन बना था, इक्वेशन नंबर फोर बना लेते हैं, नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से, नोट डाउन करिए, आगे चलते हैं। अब लिखेंगे केस नंबर फर्स्ट, हम सबसे पहले लिखेंगे क्या केस नंबर फर्स्ट, यहाँ पर लिख लेंगे केस नंबर फर्स्ट, पहला केस किसके लिए होगा फार क्यूबिक क्रिस्टल, किसके लिए फार क्यूबिक क्रिस्टल। हम जानते हैं हमारे पास तीन क्रिस्टल्स हमें मिले हैं, एक तो हमारा क्यूबिक, दूसरा हमारा फेस सेंटर्ड, तीसरा हमारा बॉडी सेंटर्ड, एक और मिला है जो कि हमारा है बेस सेंटर्ड, लेकिन सबसे ज़्यादा हमारा यूज होने वाला यही तीन है, क्यूबिक फेस सेंटर्ड एंड बॉडी सेंटर्ड, बेस सेंटर्ड बहुत कम यूज होता है क्योंकि जनरली बहुत कम पाया ही जाता है। चलिए देखते हैं बारी बारी से हम, तो केस नंबर फर्स्ट में जो आप देख रहे हैं फार क्यूबिक क्रिस्टल, इसके लिए सब लोग जानते हो ए बी सी इक्वल होता है कि नहीं होता, अरे भाई कोई क्यूब ले लो,
जैसे यही क्यूब हुआ, ये एक्सिस हमारा क्या है, मान लो ये एक्सिस हमारा एक्स, ये एक्सिस हमारा वाई, और ये एक्सिस हमारा जेड। ऐसे हमने मान लिया ये पॉइंट जो हो गया हमारा जीरो ओरिजिन। इसको हम लिखते क्या है, ए बी सी, पूरा डिस्टेंस यही तो होता है, ये ओ से लेकर एक्स तक, मतलब एक्सिस पर ए बी सी। अब ये देखिए, इसकी डिस्टेंस ए, इसकी डिस्टेंस बी और इसकी डिस्टेंस। अब क्या है, तीनों बराबर नहीं होते क्यूब के लिए, ये हमारा क्या है, एक क्यूब है, तीनों बराबर नहीं होते भाई। क्यूब में सारे जितने भी फलक होते हैं, जितने भी फेज होते हैं, सबके सब बराबर होते हैं, ए बी सी भी बराबर होंगे, जनरल सी बात है। क्यूबिक क्रिस्टल के लिए क्या लिखोगे, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा। तब हमारा जो फाइनल एक्सप्रेशन की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, डी एच के एल इज इक्वल टू वन डिवाइड बाई जो स्क्वायर रूट में है, एच स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपान ए स्क्वायर ही होगा, क्योंकि ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी है, चाहे बी बी सबके लिए लिख लीजिए, चाहे सी लिख लीजिए, सब बराबर है, प्लस एल स्क्वायर अपान ए स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। फाइनली यहाँ पर निकले क्या हमारा, स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब अंडर रूट ए स्क्वायर, देखिएगा थोड़ा और सॉल्व कर दें आपके लिए ताकि दिक्कत ना हो, डिवाइड बाई ए स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर सब में मिल रहा था, एलसीएम हो गया, बाकी बचा हमारा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा, ए, और ये ऊपर चला जाएगा, ए क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, तो बचे क्या हमारा, आप देख ही लीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर डिवाइड बाई ए। अब ये चला जाएगा हमारा ऊपर, जब ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर कैसे जाता है, ये तो छोटे बच्चों का सवाल हो गया ना, वन अपान वन, कुछ इस प्रकार से, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, ए ऊपर चला गया, तो हमारा क्या बचा, डी एच के एल इज इक्वल टू ए अपान स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये फाइनली हमारा आंसर मिला, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, नो डाउट कर लीजिए। यह आया हमारा किसके लिए, सिंपल सॉरी क्यूबिक क्रिस्टल के लिए, क्यूबिक क्रिस्टल के लिए ये हमारी वैल्यू आई, नो डाउट कर लीजिए। हालांकि जो इसका पीडीएफ नोट्स होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है, आप वहाँ पर लिंक पर क्लिक करेंगे और पीडीएफ नोट डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इवन अभी तक जितने भी लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, क्योंकि इसमें हमारे चैनल पर, हम सब के चैनल पर 52% लोग ऐसे हैं, मतलब 52% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि अनसब्सक्राइब्ड हैं, मतलब बिना सब्सक्राइब किए पढ़ रहे हैं। क्यों नहीं सब्सक्राइब करो, अपना अपना चैनल है, सब्सक्राइब करो, फैमिली में जुड़ जाओ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ये भाई अपना चीज़ है, मतलब ये चैनल अपना है, किसी दूसरे का चैनल तो है नहीं, अपना चैनल है, विकास करेंगे हम लोग, जल्द से जल्द हम लोग 1 लाख की फैमिली कंप्लीट करेंगे। जब आप लोग शेयर करोगे, आप लोग खुद पर, मतलब ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ हम ही इस पर लाइबिलिटी हमारी ही है, आपकी भी लाइबिलिटी है, आप पढ़ रहे हो, आपका भी चैनल है, आप स्वयं से ये सोचो कि मतलब हमें खुद बढ़ाना है, एक दिन हम लोग बहुत ही ऊपर जाने वाले हैं। चलिए डू द सब्सक्राइब बटन क्लिक कीजिए फटाफट से, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी समझ में आए, वो भी पढ़ सकें विदाउट एनी फीस, फ्री में वो भी पढ़ सकें, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करा जा रहा है आपको, तो फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए और हम आगे चलते हैं। अब हम देख लेते हैं फार सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल के लिए कितना आएगा डी एच के एल की वैल्यू, मतलब हम यहाँ पर जो एच के एल है, समझो पहले मिलर इंडिसेस, जो हमारा मिलर इंडिसेस एच के एल है, हम यहाँ पर तीन प्लेन लेने वाले हैं, जो कि हमारा सिंपल सिंपल तीन प्लेन होंगे। पहला प्लेन होगा 100, दूसरा प्लेन होगा 110, तीसरा प्लेन होगा 111। हम तीन प्लेन लेंगे, ध्यान से समझिएगा, हम तीन प्लेन लेंगे 100, 110 और 111, और हम इसमें बहुत डिटेलिंग बात नहीं करेंगे एक एक टॉपिक के बारे में। आपका एग्ज़ाम नज़दीक है और वैसे भी बहुत ही ज़्यादा अगर हम आपको फिगर दिखा देंगे तो आप कन्फ्यूज जाओगे, इसलिए हम सोच रहे हैं कि जितना सिंपल तरीके से हो सके हम आपको समझा सकें। तो हम यहाँ पर सिर्फ तीन प्लेन लेने वाले हैं, 100, 110 और 111। अब ये प्लेन का नाम कैसे 100 पड़ा ये सब लोग जानते हो, ये एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, वाई एक्सिस पे कट नहीं कर रहा है, जेड एक्सिस पे कट नहीं कर रहा है। जैसे समझो
अगर हम कोई एक्सिस लेते हैं, कोई भी हमारा स्क्वायर लेते हैं, मान लो एक हमारा स्क्वायर है, ये सपोज दैट ये हमारा स्क्वायर है, ठीक, और इसी प्रकार ये हमारा एक्सिस भी हो गया ये। अब अगर हम इस प्लेन की बात करें, हम आपको और क्लियर फिगर दिखा देते हैं। अब जैसे हम यहीं पर चर्चा करें, एक हमारा ये स्क्वायर दिख रहा है, मान लो ये क्यूब है, ये हमारा मान लेते हैं एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा जेड एक्सिस। अगर मान लीजिए इस प्लेन की हम चर्चा करें, सपोज दैट हम इस प्लेन की चर्चा कर रहे हैं, ये प्लेन, तो ये प्लेन सिर्फ कट किस पे कर रहा है, एक्स एक्सिस पे। जब ये सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, तो इसका नाम होगा 100, होगा कि नहीं होगा, इसका नाम होगा 100, कंफर्म, समझ में आया। लेकिन यहीं पर अगर हम इस प्लेन की चर्चा करें, देखना, अगर हम इस प्लेन की चर्चा करें, ये वाला प्लेन जो आपको प्लेन हम दिखा रहे हैं, ये वाला प्लेन, ठीक, मतलब वो पीछे वाला प्लेन जो आपको दिख रहा है, तो ये किस पर कट रहा है, एक तो हमारा वाई एक्सिस पे कट कर रहा है, एक तो हमारा एक्स एक्सिस पे कट रहा है, इसका नाम क्या होगा, 110, इसका नाम होगा 110। और ये जो तीसरा प्लेन है, ये जो तीसरा प्लेन है, तीसरा प्लेन कुछ ऐसे बनता है, हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, कोशिश ही कर सकते हैं, तो ये प्लेन कुछ ऐसे बनता है, ये देखिएगा, ये प्लेन कुछ ऐसे बनता है, जिसका नाम होता है हमारा 111। वैसे भी थोड़ा सा हमारा गलत बना है, ये सेंटर से होकर जाता है, जब आप एकदम क्यूब की तरह बनाएंगे बढ़िया से, सेंटर से होकर जाता है, तो इसका जो नाम होता है वो हमारा 111 होता है। बस यही तीन प्लेन हम लेने वाले हैं, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, बार बार हम नहीं बताने वाले, बार बार नहीं बताने वाले, सिर्फ याद समझो, 100, 110 और 111। इसका कहने का मतलब क्या है, 100 मतलब एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, वाई पे नहीं, जेड पे नहीं, क्योंकि आप लिखते हो एक्स कामा वाई कामा जेड। 110 का कहने का मतलब है एक्स पे कट कर रहा है, वाई पे कट कर रहा है, जेड पे नहीं कट कर रहा। इसके बाद 111 का मतलब क्या है, तीनों एक्सिस को कट कर रहा है, तीनों एक्सिस को कट कर रहा है, समझना, तीनों एक्सिस को कट कर रहा है, समझे। अरे भाई देखो, वाई को भी कट किया, एक्स को भी कट किया, जेड को पीछे की तरफ मिलाओ, ये पीछे की तरफ कट किया कि नहीं कट किया, फिर यही बात, ठीक, तो एक्स वाई जेड तीनों को कट करा है, इसलिए इसका नाम 111। तो हम यही पढ़ेंगे 100, 110 और 111 के लिए। अब जो सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसका, सिंफार क्यूबिक क्रिस्टल, क्यूबिक क्रिस्टल की इधर चर्चा हो रही है, इधर किसकी चर्चा हो रही है, सिर्फ और सिर्फ क्यूबिक क्रिस्टल की। तो क्यूबिक क्रिस्टल में तीन क्रिस्टल पाए जाते हैं, क्यूबिक क्रिस्टल में तीन प्रकार के क्रिस्टल पाए जाते हैं, वो भी कौन कौन से, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। बात समझ में आई, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। तो यहाँ पर आप केस नंबर फर्स्ट इधर न डाल करके आप इसको हटा ही दीजिए, फार क्यूबिक क्रिस्टल ही नोट पॉइंट में डाल लेंगे, इधर नोट पॉइंट में फार क्यूबिक क्रिस्टल, ये नोट पॉइंट में फार क्यूबिक क्रिस्टल, क्यूबिक क्रिस्टल के लिए हम चर्चा कर रहे हैं। अब सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल एंड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल के बारे में चर्चा करेंगे। तो अब लिखेंगे केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट, क्योंकि वो तीन प्रकार का होता है ना क्यूबिक क्रिस्टल, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, फॉर सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, फॉर सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक की चर्चा करते हैं। सिंपल क्यूबिक के लिए कैसे निकालेंगे वो चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि क्यूबिक क्रिस्टल के लिए फार्मूला क्या होता है, एक बार हम आपको फिर से दिखा देना चाहते हैं। डी एच के एल की जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है, डी एच के एल की वैल्यू a अपान स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और लास्ट वीडियो में हमने आपको दिखाया था कि अगर वैल्यू आपको दी जा रही है जैसे 111, तो ये हमारी h की वैल्यू, ये हमारी k की वैल्यू, यहाँ पर l की वैल्यू, अगर दी रही है 110 तो ये h k l ही रहेगा, तो l की वैल्यू 0, k की वैल्यू 1, h की वैल्यू 1, इस प्रकार से होता है। तो ये वैल्यू हमारी मिली है डी एच के एल की वैल्यू, ठीक। इसी प्रकार अगर हम प्लेन अलग अलग निकालें और उसमें वैल्यू रखें तो क्या मिलेगा, अगर हम प्लेन रखें, यहाँ पर प्लेन हम रख रहे हैं 100 प्लेन, 100 प्लेन, मैं यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ 100 प्लेन की। तो 100 प्लेन के लिए डी एच के एल मतलब निकलेगी जब वैल्यू, तो एच की वैल्यू 1, के की वैल्यू 0 और एल की वैल्यू भी 0। तो यहाँ पर वैल्यू हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो मिलेगा क्या हमको, डी 100
100 इज इक्वल टू ए अपान एच की वैल्यू है 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर मिली क्या हमको D100 की वैल्यू मिल गई ए। ठीक, इसी प्रकार आप दूसरा प्लेन रखिए, दूसरा प्लेन कौन सा होगा हमारा 110, तो यहाँ पर लिख लेंगे 110 प्लेन 110 प्लेन 110 प्लेन के लिए आप सॉल्व कीजिए, उसके लिए वैल्यू क्या निकलेगी, आप लिखेंगे D110 इज इक्वल टू ए अपान अब की बार एच की जगह 1 का स्क्वायर और के की जगह भी 1 का स्क्वायर प्लस में 0 का स्क्वायर मिला क्या हमको ए अपान अंडर रूट 2 क्यों D110। अब क्वेश्चन लगाते वक्त ये सब वैल्यू आपको याद रहनी चाहिए, और नहीं याद रहेगा तो आप डायरेक्ट निकालोगे, कितना टाइम ही लगेगा, फटाफट से अभी हम क्वेश्चन कराएंगे तो मजा आएगा आपको, समझ में पूरा एक तरफ से आने वाला है। एंड अब अगर हम यहीं पर चर्चा कर लेते हैं किसकी, नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है हमारा 111 का प्लेन जो होगा 111 प्लेन, ठीक, इसके लिए तीनों की वैल्यू 1 है, यहाँ पर अंडर रूट 3 आना चाहिए, क्यों, समझ में आ रहा है ना, तो D111 की जो वैल्यू होगी ए अपान स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो गया, तो ए अपान रूट 3 आ गया इसकी वैल्यू D111 की जगह पर, नोट डाउन कर लीजिए। ये तो चर्चा हुई हमारी किसकी, ये हमारी हुई फार सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल के लिए। अगर हम यहीं पर बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड की बात करें तो बॉडी सेंटर्ड कैसे होता है, बीच में एक पॉइंट होता है, हम आपको दिखा भी देते हैं। अगर हम चर्चा करें बॉडी सेंटर्ड की, केस नंबर 2, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और लास्ट पॉइंट जो है हमारा केस नंबर 3 फेस सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, इसको पहचानेंगे कैसे, जैसे ये हमारा पॉइंट हुआ, स्क्वायर क्या होता था नॉर्मल, ऐसे हमारा स्क्वायर होता था और जितने भी पॉइंट्स देख रहे हैं ना सब के सब हमारे कॉर्नर पर लगे होते थे, ये हमारा सिंपल होता था। बट जो फेस सेंटर्ड होता है उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि जैसे 8 के 8 एटम हमारे कॉर्नर पर होते हैं, एक हमारा मिडिल में होता है, मतलब सभी के मिडिल में एक होता है, तो ये हमारा बॉडी सेंटर्ड हो गया। फेस सेंटर्ड मतलब फेस के सेंटर में होता है, जैसे फेस ये ऊपर वाला फेस हो गया, इसके सेंटर में एक पॉइंट, 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 और पीछे वाले सेंटर में एक पॉइंट, आगे वाले सेंटर में एक पॉइंट, इस प्रकार से सभी फेस के सेंटर में एक एक पॉइंट होते हैं। तो ये बात रही हमारी, उम्मीद करते हैं आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा एकदम क्लियर से, समझ में आया। तो ये हमारा बॉडी सेंटर हुआ और फेस सेंटर हुआ। अब इसके लिए 2 पॉइंट याद करने की ज़रूरत है, मैं फिगर की तरह आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं अगर फिगर से आपको बताया आप होगे कन्फ्यूज 100%, आप होगे कन्फ्यूज, और उस तरह ऐसे आता भी नहीं कि आपको फिगर करके ही दिखाना पड़ेगा, डायरेक्ट ए वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो आपको अगर निकालना भी है जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही आपको एग्जाम में भी करके आना है, अगर मैं फिगर दिखाया बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के लिए जो डी एच के एल की वैल्यू आएगी एंड फेस सेंटर्ड डी एच के एल की वैल्यू आएगी, आप 100% कन्फ्यूज जाओगे, 100% कन्फ्यूज जाओगे। इसीलिए मैं फिगर को नहीं दिखा रहा और फिगर से नहीं समझा रहा, आपको डायरेक्ट 2 पॉइंट याद करनी होगी। अगर दो पॉइंट आप याद कर लेते हो सिंपल तरीका समझ में आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं कौन सा 2 पॉइंट आपको याद करना है, उसी 2 पॉइंट से आपको बहुत सिंपल हो जाने वाला है। अगर मैं फिगर की तरह समझाने लगा ना तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा और बहुत हार्ड होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता देना चाहेंगे कि आप किसी भी सोशल मीडिया पे अगर हमें फॉलो करना चाहते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे टेलीग्राम पे अगर PDF लिंक पाना चाहते हो, या फिर इवन ट्विटर हो, तो आप सिंपल सर्च करेंगे @UnionClasses, आपको हमारा हर एक प्लेटफॉर्म वहाँ पर मिल जाएगा @UnionClasses, आप वहाँ जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं और काफ़ी नई चीज़ें आपको वहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। एक पॉइंट रह गया इसके लिए अभी भी निकालना, रेशियो ऑफ इंटरप्लेनर स्पेसिंग, रेशियो अगर निकालना हो लिखेंगे रेशियो ऑफ इंटरप्लेनर स्पेसिंग, यहाँ पर लिख लेंगे हेंस रेशियो ऑफ इंटरप्लेनर स्पेसिंग या इंटरप्लेनर डिस्टेंस क्या हो जाएगा रेशियो अगर निकालेंगे, तो रेशियो क्या होगा D100 रेशियो D110 रेशियो D111, इसका जो रेशियो आएगा वो आएगा, देखिए तीनों में कॉमन क्या है, ए कॉमन है, जब जो चीज़ कॉमन होती है वो हट जाती है, तो क्या बचेगा 1 अपान रूट 2 रेशियो 1 अपान रूट 3,
या फिर इसे अगर हम और भी सॉल्व करना चाहें तो वन को वन ही लिखे रहेंगे, और वन अपान रूट टू का रेशियो होता है, मतलब वन अपान रूट टू की वैल्यू होती है, रूट टू की वैल्यू 1.414, तो वन पॉइंट फोर होता है 0.071, और इसकी वैल्यू आती है 0.58। तो आप वैल्यू निकाल सकते हैं या लिखना चाहें लिख भी सकते हैं। तो हमारी वैल्यू हम यहीं तक डायरेक्ट लिखेंगे, ये हमारा आएगा रेशियो ऑफ इंटरप्लेनर डिस्टेंस। नोट कर लीजिए, क्लियर है, समझ में बात आई। चलिए अब वो दो पॉइंट आपको याद क्या करना पड़ेगा, याद ये करना पड़ेगा जो बॉडी सेंटर्ड में होता है। बॉडी सेंटर्ड में देखिए जो प्लेन होते हैं वो तीन होते हैं, जो प्लेन होते हैं हमारे तीन प्लेन होते हैं, कौन कौन से, एक तो होता है 100 प्लेन, एक होता है हमारा 110 प्लेन, एक होता है हमारा 111 प्लेन। इसी प्रकार फेस सेंटर्ड में भी हमारा होगा 100 110 111, ये प्लेन होता है। जो दो तीन पॉइंट हम आपको याद करने के लिए कह रहे थे बहुत सिंपल पॉइंट है, आइए देख लेते कौन सा पॉइंट हम आपके लिए कह रहे थे कि जो बॉडी सेंटर्ड में होता है इसमें ये हाफ होगा, ये हमारा हाफ होता है हाफ, और ये हाफ होता है, ये हाफ होता है, मतलब जस्ट किसका हाफ, सिंपल क्यूबिक का हाफ, किसका हाफ, सिंपल क्यूबिक का हाफ। बट ये जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक है इसके लिए ये हाफ होता है सिंपल क्यूबिक का और 110 हाफ होता है। कोई इसमें प्रॉब्लम मिली आपको, अब बता दो हमको कोई ऐसा पॉइंट जो ना समझ में आ हो, बस इतना याद कर लो हाफ होता है, क्योंकि इस पर आपको एग्जांपल्स आते हैं लगाने के लिए, न्यूमेरिकल्स आते हैं, या फिर आपको डिराइव भी करना होगा तो आप ऐसे करके कर सकते हो। आप फिगर बनाकर अगर समझाने लगे ना तो बिल्कुल नहीं समझ में आने वाला, क्योंकि मैं खुद भी देखा उसको, देखा कि इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है आप लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। हालांकि मैं आपको समझाने की कोशिश तो कर देता बट क्या मतलब है, जब वो इम्पॉर्टेंट भी नहीं है तो कोई मतलब है नहीं, निकलता नहीं उसका। अगर इम्पॉर्टेंट होता वो चीज़ तो मैं समझाता, तो बिलीव इट ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वैसे नहीं है कि आपको फिगर दिखा के ही समझाना है, मैं जैसे बता रहा हूँ आपको ऐसे कर देना है, और सिंपल भी है। आपको छोटा सा ट्रिक मिल गया, ये जो बॉडी सेंटर्ड होगा 100 और 111 का हाफ होता है, एंड जो फेस सेंटर्ड होता है 100 और 110 का हाफ होता है। बट अब आप डायरेक्ट लगा लेंगे, अब आप डायरेक्ट लगा लेंगे, अब इसको लिखेंगे तो अगर हम निकालने डिस्टेंस डी 100 के लिए, तो ये इसके हाफ होता है ए बाई टू हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये डी 100 के लिए ए होता है, उसका हाफ हो जाएगा। अगर हम ये पर चर्चा कर लें डी 110 के लिए क्या इसका हाफ होगा, नहीं होगा, इसके लिए वैल्यू आती है सिर्फ ए अपान अंडर रूट टू, किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी भाई, सिंपल चीज़ है। 111 के लिए हाफ होता है डी 111 के लिए, ये ए अपान अंडर रूट थ्री था, इसका हाफ कर दो ए अपान टू रूट थ्री हो जाएगा, ये लो हाफ हो गया। अरे भाई ए अपान अंडर रूट थ्री था, इसका हाफ कर दो तो ये क्या हो जाएगा, ए अपान टू रूट थ्री ही तो होगा, और कुछ होगा। चलो इसी प्रकार फेस सेंटर्ड के लिए निकालेंगे, 100 का हाफ होता है, मतलब किसका हाफ, सिंपल क्यूबिक का, ये मत कर देना बॉडी का हाफ, नहीं, तो डी 100 की वैल्यू हमारी ए बाई टू, ठीक। इसी प्रकार डी 110 का हाफ होता है, बिल्कुल होता है, डी 110 की वैल्यू निकालो, डी 110 की वैल्यू क्या है, अपान रूट टू, तो ए अपान टू रूट टू हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है, ए अपान टू रूट टू होगा, कन्फर्म ए अपान टू रूट टू। एंड अगर हम बात करें 111 का, क्या ये हाफ होता है, नहीं, तो डी 111 की जो वैल्यू बच जाएगी वो हमारी होगी ए अपान अंडर रूट थ्री। इसके लिए जो इंटरप्लेनर डिस्टेंस है, रेशियो है, रेशियो ऑफ इंटरप्लेनर डिस्टेंस या इंटरप्लेनर स्पेसिंग आप बोल सकते हो, तो क्या हो जाएगा, डी 100 रेशियो डी 111 डी 111, तीनों में कॉमन क्या है, ए कॉमन है, तो ऊपर वाले में क्या मिला था, 1/2 रेशियो 1/√2 रेशियो 1/√3 के वैल्यू मिली। बात समझ में आई। अब इसके लिए अगर देखें रेशियो ऑफ इंटरप्लेनर, रेशियो ऑफ इंटरप्लेनर
स्पेसिंग, इंटरप्लेनर स्पेसिंग या इंटरप्लेनर डिस्टेंस क्या मिलेगा, D100 ratio D111 ratio D111 इज इक्वल टू, ये क्या मिलेगा ऊपर क्या मिला, ए हमारा कॉमन है तो रेशियो में हट जाता है, क्योंकि कट जाएगा हमारा 1/2 ratio 1/√2 ratio 1/√3, ठीक ये मिला ये, ठीक तो ये आई हमारी वैल्यू। तो नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से, नोट डाउन कर लीजिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा डेंसिटी ऑफ लैटिस पॉइंट इन लैटिस प्लेन, लैटिस प्लेन में जो लैटिस पॉइंट होता है उसकी डेंसिटी निकालेंगे, मतलब रो की वैल्यू वहां पर निकालेंगे, फिर हम फार्मूला क्वेश्चंस करने वाले हैं। सोचे थे इसी में इसका क्वेश्चन करा देंगे, बट पहले हम डेंसिटी बता दें उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन कराएंगे, ठीक। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन आप लोग इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़ाई करते रहिए, रेगुलर पढ़ाई करते रहिए, रेगुलर पढ़ाई करते रहिए। अगर आप बीच बीच में ऐसा करोगे कि स्किप करोगे ना तो मज़ा नहीं आता, रेगुलरिटी आपकी बनी रहनी चाहिए। और साथ साथ एग्ज़ाम नज़दीक है, सबके पास सीरीज होनी चाहिए, सीरीज ले लो और सीरीज से पढ़ो। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि आप किताब से ना पढ़िए, किताब से पढ़िए, लेकिन समय गया सीरीज ले लीजिए। अपने अपने यूनिवर्सिटी की, मैं किसी भी पार्टिकुलर एक यूनिवर्सिटी का नहीं पढ़ाता, अपने अपने यूनिवर्सिटी का सीरीज ले लीजिए। सीरीज लेने से ये फ़ायदा है कि आपको पता चलता है एग्जैक्टली क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। आप अनसॉल्व ले लीजिए, अनसॉल्व से देखकर सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, जो भी क्वेश्चंस हो उसको आप ढूंढिए, ढूंढ ढूंढ के सॉल्व कीजिए। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आप परफेक्ट सॉल्व कर पाएंगे और पेपर में अच्छा नंबर लाएंगे। मेरे जो आपका मेरा आशीर्वाद आपके साथ हमेशा रहेगा और ऑल द वेरी बेस्ट। हम प्रभु से यही आशा करते हैं, यही मांगेंगे कि आप लोगों का बहुत 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 अच्छा नंबर आए और इसी तरह मेहनत करे रहेंगे, क्योंकि जो मेहनत करता है वही अच्छा नंबर पाता है। तो मेहनत करते रहेंगे आप जरूर सक्सेस होंगे। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन आप लोग खूब बढ़िया से मेहनत करके पढ़ते रहिए।